जलालाबाद फाजिल्का मार्ग पर पड़ते टिवाना रोड के पास आज जलालाबाद की पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल पर शिकंजा कसने की मकसद से स्पेशल नाका लगाया गया था। इस अवसर पर नाके का नेतृत्व करने वाले ट्रैफिक इंचार्ज सूरज भान ने बताया कि जिले के एसएसपी भूपेंद्र सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार आज उन्होंने टिवाना मोड पर नाका लगाया है ताकि बुलेट मोटरसाइकिल जो कि बहुत शोर शराबा और पटाखों की तरह आवाज करते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, जिसके चलते आज 6 मोटरसाइकिलों के चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार तो उनके चालान करके उनको रवाना कर दिया गया और चेतावनी दी गई है कि भविष्य में मोटरसाइकिल से शोर शराबे की आवाज़ या पटाखे चलने जैसी आवाज़ ना आए, अगर फिर भी आएगी तो उनके मोटरसाइकिल जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जिन मोटरसाइकिल चालकों के पास दस्तावेज और मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं है उनके भी चालान काटे जा रहे हैं ताकि मोटरसाइकिल चलाने वाले अपने दो पहिया वाहनों के कागज पत्र साथ रखें और नंबर लिखवा कर रखें। की सा टवाने रोड जेड़ा नाका लाया इस बारे जानकारी ये साडे एसएसपी साहब दे दिशा निर्देशों नु मुख रखदे होए साडे डिप्टी साहब ते साडे दिशा निर्देशों नु मुख रखदे होए आज असीं डेली रोजाना दी तरह टवाना चौक ते नाका लाया है। इन मोटरसाइकिल बिना नंबर ने उन्होंने असी उन्होंने असी बंद कर रहे हैं। जिन्हों को कागज पत्र नहीं है उन्होंने असं चलान कर रहे हैं। जो कोई कागज पत्र सूँ देता उन्होंने चलान करके असं दे दें। राजनीति भी दबाव पैंता नहीं नहीं राजनीति दबाव साढ़े तो कोई किसी तरह का नहीं है जी। ना कदम सूँ किसी ने राजनीति तौर पर क्या कि इस मोटरसाइकिल सी एम साहब वालों ये जो हदायत की गई थी कि लोगों को कागजात होने जरूरी ने। असं लोगों को यही हदायत करते हैं कि आप अपने जो कागज ने उन्होंने आपके कोल रखो जिसके नाल ना तो प्रॉब्लम आए तो ना तो सानू किसी चीज़ का सामना करना। तो जो बुलटों के पटाके मार उन्होंने की कहना चाहते हैं जो बुलट पटाके मारते जिन्हों को कागज ने उन्होंने एक बार असं वार्निंग के तौर पर उन्होंने चलान कर दें। जो दोबारा सानू मिल जाते तो फिर असं बदल। हुण तक सर किन्ने चलान कटे गए जी? तकरीबन अद्धी दर्जन के करीब असं चलान कटे। अबोहर से संवाददाता सुरेंद्र गोयल की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज़। हिमाचल में चुनावों के बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम। आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम हैं एएमआई न्यूज़, आपकी आवाज़। आपकी आवाज़।